हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस, लेट्स क्रैक इट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैमिली लाइफ साइकिल एंड स्टेजेस, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं पारिवारिक जीवन चक्र, पारिवारिक जीवन चक्र और अवस्थाएं। ओके, इसको हम, चूंकि ये जो मैटर है वो इंग्लिश में है, लेकिन हम इसको हिंदी में डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि हम इसको हिंदी में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए। तो यहाँ पर है कि फैमिली लाइफ साइकिल और स्टेजेस, फैमिली लाइफ के जो पारिवारिक जीवन चक्र है वो क्या होता है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि कई बार इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि अवस्थाएं हैं, और अवस्थाओं के अंदर सब स्टेजेस भी हैं, यानी कि उप अवस्था भी है, तो वो भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन द फैमिली लाइफ साइकिल अ फैमिली स्टार्ट्स विद टू यंग पर्सन, ग्रोज नॉर्मली इनटू अ लार्जर ग्रुप ऑफ डिफरेंट एजेस एंड इवेंचुअली रिटर्न्स टू द स्मॉल ग्रुप ऑफ टू एल्डर पर्सन। यानी कि जो पारिवारिक जीवन चक्र होता है वो स्टार्ट होता है दो यंग पर्सन से लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, और उसके बाद में धीरे धीरे ये ग्रुप बढ़ता चला जाता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि लास्ट में फिर वही दो जो यंग पर्सन थे अब क्या हो चुके हैं, वो ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो लास्ट में भी वही दो लोग बचते हैं। ओके, उस पारिवारिक जीवन चक्र में तो दो यंग पर्सन से फैमिली स्टार्ट होती है और दो ओल्डर पर्सन पर आकर के खत्म होती है। ओके, अब फैमिली लाइफ साइकिल जो है उसे अगर हम शुरुआत से लेकर अंत तक देखें तो इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, ये लगातार चलता रहता है। एक स्टेज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी स्टेज, फिर उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर वो स्टेज रिपीट होने लगेगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो स्टेजेस हैं, अवस्थाएं हैं, वो रिपीट होती रहती, कंटिन्यू चलती रहती है। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सेम ही एज का, जैसे अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं लाइफ पारिवारिक जीवन चक्र है, तो एक बच्चे को मान करके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए सेम एज के या फिर एक दो साल का डिफरेंट है, दो या दो से अधिक बच्चे हो गए, तो उस केस में क्या होता है कि जो स्टेजेस हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं। ओके, और इसके अलावा जो है बहुत सारी हर स्टेज में साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते चले जाएंगे, और जो ओवरलैप होता जाता है उसको भी हम देख लेंगे। अब यहाँ पर जो पारिवारिक जीवन चक्र है उसकी तीन मेन अवस्था बताई गई है, यानी कि जो मुख्य अवस्था है, तो थ्री मेजर स्टेजेस हैं। ओके, पहला है बिगनिंग फैमिली, दूसरी है एक्सपैंडिंग फैमिली, और तीसरी है कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली। ओके, अब इसका जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो बैगलो के द्वारा दिया गया। यहाँ पर ये बैगलो हैं, इन्होंने तीन जो मेजर स्टेज हैं इनको इन्होंने 8 सब स्टेज में डिवाइड किया है, यानी कि तीन जो मुख्य अवस्था है पारिवारिक जीवन चक्र की, उसको 8 उप अवस्थाओं में इन्होंने डिवाइड किया। किसने? बैगलो ने। अब यहां पर इन्होंने ये बताया है कि जो स्टेजेस हैं, सारे स्टेजेस से सारी फैमिली गुजरती हैं, लेकिन जो सब स्टेजेस हैं उनमें क्या होता है कि कुछ फैमिलीज जो होती हैं, जो नंबर यहाँ पर अभी आप देखोगे, जो उप अवस्था है उसमें जो स्टेज नंबर 4 और 5 है, इस उप अवस्था से कुछ फैमिलीज नहीं गुजरती हैं। तो डिपेंड करता है, वही जैसा हमने बताया कि अवस्थाओं का ओवरलैप हो सकता है, कि अगर बच्चे ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मोर देन वन चाइल्ड देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ 2 और मोर सब स्टेज, ठीक है, दो या फिर दो से जो अधिक उप अवस्थाएं हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप हो सकती है। एक अवस्था चल रही है फिर उसके बाद में दूसरी अवस्था भी साथ में चल रही है, ठीक है, तो ये ओवरलैप हो सकता है। और इसके साथ साथ में जो पेरेंट्स के ऊपर बच्चों की डिमांड है, फैमिली और बच्चों की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो जाती है अगर बच्चे दो या फिर दो से अधिक होते हैं। तो बैगलो ने यहाँ पर 8 सब स्टेज बताए हैं, ठीक है, और 3 जो है मेजर स्टेज बताए हैं। तो पहला जो मेजर स्टेज है वो है बिगनिंग स्टेज, जिसे हम बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक जीवन की अवस्था, और इसको बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फैमिली, क्योंकि जो पहली अवस्था होती है जिसे बिगनिंग स्टेज बोलते हैं,
उसमें क्या होता है, परिवार, जो परिवार होता है उसकी स्थापना होती है, वो स्टैब्लिश होता है, अभी शुरुआत होती है परिवार की। अब इसमें जो शुरुआत होती है वो दो एडल्ट्स की शादी से, यानी कि हस्बैंड वाइफ जो शादी के बाद बनते हैं, तो एक लड़का और एक लड़की, हम कहते हैं मेल और फीमेल, उन दोनों की शादी से स्टार्ट होती है, बिगनिंग स्टेज। और ये पहले बच्चे के जन्म होने तक लगातार चलती रहती है, जो बिगनिंग स्टेज है, ठीक है। यानी कि हस्बैंड वाइफ और उनका जब बच्चा हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ की शादी से स्टार्ट होगा और जब उनका पहला बच्चा होगा तब तक ये लगातार चलती रहती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो दोनों ही पार्टनर होते हैं, हस्बैंड और वाइफ, यहाँ पर क्या होता है, जो पहले स्टेज है, बिगनिंग स्टेज है, उसमें क्या होता है, उन्हें एक दूसरे से, एक दूसरे को जानना होता है, एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे के फैमिली मेंबर्स हैं उनको, उनसे परिचित होना होता है, और एक दूसरे के लाइफ स्टाइल से भी परिचित होना होता है। क्योंकि अभी तक क्या है, दो लोगों की शादी हो रही है तो वो एक दूसरे से बिल्कुल भी, एक दूसरे को नहीं जान रहे हैं, एक दूसरे से परिचित नहीं है, तो एक दूसरे से वो परिचित होते हैं, उनके परिवार के सदस्यों से और साथ साथ में उनके लाइफ स्टाइल से जो है परिचित होते हैं। इस स्टेज में अब होता क्या है कि वो छोटे और बड़े दोनों गोल्स तैयार करते हैं, यानी कि अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसी लक्ष्य के आधार पर अपना काम करते हैं। अब इस स्टेज में क्या होना चाहिए, इस स्टेज में जो दोनों पार्टनर्स हैं उनका जो एटीट्यूड और उनकी जो फीलिंग है, जो भी संसाधन है उनके पास, उससे रिलेटेड, उन संसाधनों को लेकर के, उन रिसोर्सेस को लेकर के, जो भी उनकी एटीट्यूड्स हैं और जो उनकी फीलिंग्स हैं, यानी कि जो भावनाएं हैं, और वो क्या होनी चाहिए, उनमें सामंजस्य होना चाहिए, यानी कि तालमेल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हस्बैंड कुछ अलग सोच रहा है और वाइफ जो है कुछ अलग सोच रही है। तो क्या होता है, जो दोनों की अंडरस्टैंडिंग, समझदारी कह सकते हैं दोनों की, यानी कि दोनों के एटीट्यूड्स और दोनों की जो फीलिंग्स हैं वो मैच नहीं करती हैं, तब क्या होते हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लगते हैं, यानी कि समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो ये चीज है कि जब ये बिगनिंग स्टेज स्टार्ट हो रही है तो फिर दोनों ही पार्टनर्स को उनके बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उनको कम करना चाहिए, और साथ साथ में एक दूसरे के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है, समझदारी है, उसको डेवलप करना चाहिए, उसको और ज्यादा विकसित करना चाहिए, जब तक कि पहले बच्चे के आने से पहले ये सारी चीजें करनी चाहिए। क्योंकि अगर दोनों ही पार्टनर में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक दूसरे को वो समझ नहीं रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जब बच्चे का जन्म होगा तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है। ओके, चलिए अब इसमें तीन मेजर कंसर्न होते हैं इस स्टेज में। एक तो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के, कि दोनों हस्बैंड वाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां एक दूसरे में डिवाइड करनी होती हैं। दूसरा फिजिकल होम, यानी कि घर की स्थापना, या तो नया घर लेना है या फिर अगर घर है तो उसको कैसे व्यवस्थित करना है। और तीसरा है जो भी उनकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, जो डे टू डे फैमिली मेंटेनेंस के लिए, यानी कि रोजमर्रा की जो उनकी पारिवारिक जीवन है उसके लिए जो भी उनकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उनको किस तरीके से प्रोवाइड कराना है, ठीक है, आवश्यकताओं को पूरा करना है, और जो उनकी जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उनको कैसे डिवाइड करना है, साथ साथ में घर को कैसे मेंटेन करना है, या फिर नया घर कैसे लेना है, घर कैसे स्थापित करना है। तो ये तीन मेजर कंसर्न होते हैं इस स्टेज में। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, सबसे पहला कह सकते हैं, पहला डिसीजन और सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन जो होता है वो लेकर के होता है शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, यानी कि जो भी जिम्मेदारियां हैं दोनों के बीच में उनको आपस में शेयर करना। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि पैसे कमाना, ठीक है, अर्न करना। दूसरा, जो भी परिवार की आवश्यकताएं हैं उन पर खर्च आ जाता है, साथ साथ में जो भी पारिवारिक कार्य हैं, मतलब परिवार के जो भी काम हैं उनकी योजना बनाना, और साथ साथ में जो भी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए जो संसाधन है, अलग अलग कामों के लिए जो संसाधन है उनको, स्पेशली पैसे का आवंटन करना। तो ये मेजर कंसर्न्स होते हैं इस स्टेज में। अब यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि संसाधनों पर किसका नियंत्रण ज्यादा है, हस्बैंड का ज्यादा है या फिर वाइफ का नियंत्रण ज्यादा है, किसका कंट्रोल ज्यादा है। तो ये डिसाइड करता है कि जो फैमिली किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि बहुत सारी स्टडी हुई हैं, रिसर्च हुए हैं इन पर, कि
तो उनमें ये पाया गया है कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स, ठीक है, यानी कि जो लो इनकम ग्रुप वाले, लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप वाली जो महिलाएं हैं, वो उनका जो है फाइनेंशियल कंट्रोल पर, यानी जो आर्थिक नियंत्रण उन पर उनका ज्यादा होता है, यानी कि जिनके जो कम आय वाले और जो है लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स में के परिवार में जो भी औरतें होती हैं, विमेन्स होती हैं, उनका पैसों पर नियंत्रण होता है, ठीक है। जबकि जो मिडिल और हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप वाले लोग हैं, या फिर हम कहें परिवार हैं, वहां पर क्या होता है, हस्बैंड का कंट्रोल होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेस पर, यानी कि पैसों पर आर्थिक नियंत्रण जो है हस्बैंड का होता है, मिडिल और जो हायर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है। लेकिन लो मिडिल क्लास में क्या होता है, औरतों का नियंत्रण ज्यादा होता है। ओके, लेकिन नियंत्रण किसी का भी हो, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ का हो, तो किसी भी एक पर्सन का पूरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए, बल्कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि दोनों को ही मिल करके जो भी फैमिली रिसोर्सेस हैं, सॉरी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेस हैं, आर्थिक संसाधन हैं, या फिर हम कहें पैसों को लेकर के जो चीजें हैं, उनको आपस में बैठ करके समझना चाहिए, कैसे पैसे को कहाँ पर खर्च करना है, किस पर कितना करना है, किस पर ज्यादा करना है, किस तरीके से पैसे को कमाना है, तो इन सबको लेकर के दोनों का ही निर्णय होना चाहिए। ओके, और दोनों की ही समझदारी होनी चाहिए। इसके बाद में है कि जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्चुअल होम इंक्लूड्स, यानी कि बिगनिंग स्टेज में क्या करते हैं, जो होम यानी कि घर स्थापित किया जा रहा है या घर बनाया जा रहा है, घर को मैनेज किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इस पे मुख्य रूप से जो फैमिली गुड्स और मटेरियल्स हैं उनको लेकर के आ जाता है, जैसे कि घर हो गया, घर में जो फर्नीचर है, उनकी फर्निशिंग है, इन सबको लेकर के जो है दोनों को ही समझना होगा और दोनों को ही ये चीज डिसाइड करनी होगी, निर्णय लेना होगा कि इनको कैसे व्यवस्थित किया जाए और किन चीजों को, किन हाउस होल्ड गुड्स को रखना है, ठीक है, किन जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको किस तरीके से बाहर करना है, और जो नई जरूरतें हैं, ठीक है, जो अब चूंकि अभी नई नई फैमिली एस्टेब्लिश हुई है, तो जो नई जरूरतें हैं उनसे रिलेटेड जो भी संसाधन है उनकी एक लिस्ट, इन सब की लिस्ट, किन चीजों को घर से बाहर निकालना है जो बेकार है, और जो पहले से अवेलेबल कौन कौन सी चीजें हैं आपके पास और कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, इन सब की एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। ओके, अब यहां पर क्या है कि जो भी रिसोर्सेस संसाधन अवेलेबल हैं यंग कपल के पास में, जो भी संसाधन हैं उन पर जो है ये ध्यान रखना होता है कि कौन से संसाधन हमारे पास हैं, ठीक है, उनको लेकर के आगे देखना होता है कि जो संसाधन हैं आपके पास मौजूद हैं, घर में उपस्थित हैं, उनको हमें परचेज नहीं करना है, और जो नहीं है उन्हें हम जाकर के परचेज कर सकते हैं अपने स्टाइल, कंफर्ट और क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इन सब पर ध्यान देना होता है। ओके, चलिए अब आते हैं। और हाँ, एक चीज और इसमें है कि जो बिगिनिंग स्टेज है उसमें दोनों ही फैमिली के, दोनों ही हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनसे भी मदद ली जा सकती है। ओके, वो भी एक संसाधन का काम करते हैं। फिर दूसरा स्टेज है एक्सपैंडिंग फैमिली। अब जो पहली स्टेज हमने पढ़ी है, बिगिनिंग स्टेज, उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी उप अवस्था नहीं है। दूसरी है एक्सपेंडिंग फैमिली, जो ये स्टेज है ये सबसे लंबी होती है, देन फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज, यानी जो पहले स्टेज है हमने पढ़ी है बिगनिंग स्टेज, और जो तीसरी स्टेज है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, स्टेज इन दोनों अवस्था से जो दूसरी स्टेज है एक्सपेंडिंग फैमिली, ये सबसे लंबी होती है, लॉन्गर पीरियड होता है, ठीक है। अब क्यों होता है तो ये हम देख लेते हैं। अब ये जो स्टेज है ये शुरू होती है पहले बच्चे के जन्म से, इस स्टेज की शुरुआत होती है, और इसके अंदर बहुत सारे सब स्टेज आते हैं, और इसका जो अंत होता है इस स्टेज का, वो लास्ट चाइल्ड जब वो लीविंग द होम टू सेटल डाउन हिज फैमिली, यानी कि जो लास्ट बेबी होगा, जो अंतिम बच्चा होगा, वो जब अपने घर छोड़ देगा और अपनी खुद की फैमिली स्टैब्लिश कर लेगा, सेटल कर लेगा, तब जो है इस स्टेज का एंड होता है, यानी कि पहले बच्चे के जन्म से शुरू होता है और लास्ट बच्चे के सेटल होने तक ये चलता रहता है। अब इसमें क्या होता है, चूंकि जो ये स्टेज होते हैं इसमें जो फैमिली पैटर्न है, लाइफ स्टाइल है पेरेंट्स की, यानी जो मदर और फादर हैं, उनका टोटली चेंज हो जाता है, क्योंकि बच्चे का जन्म हो गया है, तो अब क्या होगा, उनका जो लाइफ स्टाइल है,
सब कुछ उनका चेंज हो जाएगा, पैटर्न है, लाइफ स्टाइल है, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और इसमें जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी डिमांड्स हैं, वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। अभी तक क्या था, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ थे, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती थी, समय की भी उसी अकॉर्डिंग जरूरत थी, और ऊर्जा की भी जरूरत उसी के हिसाब से थी, ठीक है। लेकिन अब जो एक्सपेंडिंग फैमिली है, ये दूसरी जो स्टेज है, इसमें क्या होता है कि जो संसाधन है और जो डिमांड्स हैं, वो दोनों ही डिफरेंट हो जाएंगे पहले स्टेज से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले क्या था, जब पहले बच्चे यंग होते हैं, वेरी यंग, यानी कि बच्चे जब छोटे होते हैं, तो उनकी डिमांड क्या होती है, उनकी डिमांड होती है माँ का समय, यानी कि वो माँ के साथ अपने समय ज्यादा व्यतीत करना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, यानी कि माँ के साथ छोटे बच्चे ज्यादा रहना पसंद करते हैं जब यंग होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल और कॉलेज जाना स्टार्ट करते हैं, तो उनका उनकी डिमांड क्या हो जाती है, जो मुख्य मांग है उनकी, वो क्या होती है, वो होती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि अब उन्हें आर्थिक संसाधन की ज्यादा जरूरत होती है। अब उन्हें माँ के समय की कम बल्कि आर्थिक संसाधन की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब वो घर से बाहर निकल रहे हैं, अब उनको बाहर जाना है, और उनकी डिमांड अब डिफरेंट हो गई, ओके। इसके साथ साथ में फैमिली की साइज बढ़ती चली जाती है, और जो डिमांड्स हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, बच्चों के जन्म के साथ साथ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक्सपेंडिंग फैमिली है, इसमें जो पहली सब स्टेज है, पहली उप अवस्था है, वो है चाइल्ड बियरिंग एंड प्री स्कूल स्टेज, यानी कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था और बच्चों को संभालने की अवस्था। जो पहली सब स्टेज है, इसमें होता क्या है, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, उन्हें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है एक दूसरे के बीच में, यानी कि हस्बैंड और वाइफ को आपस में एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, और साथ साथ में बच्चे के साथ, बेबी के साथ भी एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी तक दो ही लोग थे पहले बिगिनिंग स्टेज में, तो इतनी ज्यादा कोई टेंशन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, कोई कंसर्न नहीं था। लेकिन अब बेबी आ चुका है, तो अब क्या होता है, बेबी के साथ में पेरेंट्स को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बच्चे की, और साथ साथ में उसका केयर, उसकी देखभाल करना, वो भी रोज, ओके। अगर दोनों ही जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उन्हें बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं बच्चे की देखभाल को लेकर के, क्योंकि दोनों ही बाहर जॉब करने जा रहे हैं, तो बच्चे की देखभाल कैसे होगी, तो इसको लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और बच्चे के आने से होता क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि विभिन्न जो संसाधन है, उनकी मांग बढ़ने लगती है, और स्पेशली जो पेरेंट्स का समय है, उसकी डिमांड मुख्य रूप से, महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाती है, क्योंकि अब बच्चा आ गया और बच्चे को चाहिए पेरेंट्स का समय, ओके। तो संसाधन पर तो डिमांड बढ़ती ही है, साथ साथ में पेरेंट्स का समय, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। फिर इसमें दूसरी उप अवस्था है एलिमेंट्री स्कूल। एलिमेंट्री स्कूल पीरियड जो स्टार्ट होता है, ये जो पहला बेबी है, जब 4 साल का हो जाता है, तो ये तब से ये स्टार्ट होगी एज, और इसका अंत कब होगा, जब लास्ट चाइल्ड 12 साल का हो जाएगा, यानी कि 4 साल से 12 साल तक ये स्टेज चलती है, जो कि एलिमेंट्री स्कूल। अब यहां पर जो हम बता रहे हैं, एलिमेंट्री स्कूल हो गया, चाइल्ड बियरिंग एंड प्री स्कूल स्टेज हो गया, तो ये उप अवस्थाओं के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है नेट के एग्जाम में, इसी वजह से हम यहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने जनरली क्या पढ़ा हुआ है, 3 स्टेज पढ़ी हुई हैं मुख्य मुख्य, लेकिन उसके अंदर में जो उप अवस्थाएं हैं, सब स्टेज हैं, उसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा हुआ है। तो वो किस में आता है, बिगनिंग में आएगा, या फिर एक्सपेंडिंग में आएगा, या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग में आएगी जो उप अवस्थाएं, तो वो चीज हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो 4 साल से स्टार्ट होता है और 12 साल पर ये खत्म हो जाता है एलिमेंट्री स्कूल पीरियड। इस पीरियड में होता क्या है कि अब चूंकि ओवरलैपिंग एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स की, क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, ऑब्वियसली बहुत रेयरली होता है कि एक बच्चे होते हैं, अब अक्सर 2, 3, 4 ऐसे फैमिली में बच्चे होते हैं, तो कोई 4 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, तो चूंकि दो एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो स्टेजेस का ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है। और इस पीरियड में क्या होता है कि जो बच्चा है, उसका पहला कांटेक्ट जो होता है, संपर्क होता है, वो बाहर के वर्ल्ड से होता है, ठीक है, फैमिली के अलावा। अभी तक क्या था, प्री स्कूल स्टेज में बच्चा स्कूल तो जा नहीं रहा था, प्री स्कूल यानी कि स्कूल से पहले की अवस्था थी, तो बच्चा केवल फैमिली में था, परिवार के लोगों से ही परिचित था,
लेकिन अब क्या होगा, एलिमेंट्री स्कूल पीरियड में अब बच्चा घर से बाहर निकलेगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा। तो जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसका बाहर की दुनिया से संपर्क होता है, ठीक है। और यहां पर वो धीरे धीरे नए जो इन्वायरमेंट है उनमें एडजस्ट करना सीखता है, शिक्षा यानी एजुकेशन के बारे में सीखता है, और जो हेल्थ और न्यूट्रिशन है ये भी जो है इनसे भी रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो पेरेंट्स की कंसर्न होती है। यानी कि यहाँ पर चाइल्ड हैज टू बी हेल्प, बच्चा जो नए इन्वायरमेंट में जा रहा है, शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, ठीक है, और उसका जो हेल्थ है और उसका जो न्यूट्रिशन है, इन सबको लेकर के जो पेरेंट्स हैं बच्चे के, उन्हें बच्चे की मदद करनी होती है इन सब चीजों को समझने के लिए, क्योंकि वो क्या हो रहा है कि पहली बार घर से निकल करके वो बाहर की दुनिया में जा रहा है, तो उसको बहुत सारी समस्या होती है एडजस्ट करने में। तो इस वजह से पेरेंट्स को अपने बच्चे की मदद करनी होती है इन सभी चीजों से एडजस्टमेंट में, ओके। फिर आता है जो तीसरा स्टेज है, हाई स्कूल एंड कॉलेज, यानी एलिमेंट्री स्कूल हो गया, अब हाई स्कूल एंड कॉलेज। अब ये जो होती है हाई स्कूल पीरियड, इट इज द टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर बिटवीन 12 टू 18 ईयर। इसके पहले एलिमेंट्री स्कूल पीरियड था 4 ईयर से 12 ईयर तक का, ये जो पीरियड है वो 12 से 18 साल का होता है, ठीक है, इसको टीन एज पीरियड भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को हाई स्कूल, वैकेशंस, ट्रेडिशनल स्कूल, और जो उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व है, सामाजिकता और जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं, ओकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको सॉल्व करने में बच्चे की मदद करनी होती है, क्योंकि ये बच्चा क्या है, अब हाई स्कूल में पहुंच रहा है, हाई स्कूल के बाद भी अब वो क्या होगा, कॉलेज में जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, टीन एज में पहुंच रहे हैं, तो जो टीन एज वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स की बातें बहुत कम समझते हैं, ठीक है, वो सब कुछ खुद ही डिसाइड करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि वो सबसे ज्यादा समझदार हैं। तो इस एज में क्या होता है, वो बातें कम करते हैं, तो उनसे क्या होता है, पेरेंट्स को उनसे बातें करनी होती हैं, उनको समझना होता है, और साथ साथ में उनको उनकी जो खुद की पर्सनालिटी है, बच्चे की जो पर्सनालिटी है, उन सामाजिक जो सोशल है, बाहर जो समाज में वो निकल रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना होता है, समझना होता है, और साथ साथ में बच्चे को भी समझाना होता है, ठीक है। अगर कोई समस्या है बच्चे की तो उसको सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होती है। फिर है कॉलेज फेज, इज द टाइम व्हेन चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द कॉलेज, ये आप सभी जानते ही हो। ड्यूरिंग दिस स्टेज पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प द चिल्ड्रन टू अचीव देयर गोल्स। अब यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे की वो मदद करें, जिससे कि वो बच्चे अपने गोल्स, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जो भी पर्टिकुलर फील्ड में वो जाना चाहते हैं। मान लो उन्होंने कुछ अपना करियर डिसाइड किया हुआ है, उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर टीचर बनना है, जिस भी फील्ड में उनको जाना है, तो उसको लेकर के जो भी उनके लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में यहाँ पर पेरेंट्स उनकी मदद करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में देयर विल बी सिग्नेंट डिमांड ऑन फाइनेंशियल रिसोर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, जो आर्थिक संसाधन है उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि आप बच्चे क्या हो रहे हैं, इसको कॉलेज में जा रहे हैं, बड़े क्लास में जा रहे हैं, और साथ साथ में वो अपने लक्ष्य भी निर्धारित कर रहे हैं, तो यहाँ पर पैसे की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ में पेरेंट्स को जरूरत होती है सेविंग्स करने की, जिससे कि बच्चे की वो मदद कर सके। पेरेंट्स असिस्टेंस इज ऑल्सो नीडेड टू द चिल्ड्रन टू सेटल डाउन इन प्रोफेशन एंड ऑल्सो बाई मैरिज एट द एंड ऑफ एजुकेशन। अब चूंकि क्या होगा, बच्चा अब यहाँ पर एक तो सेटल अपने प्रोफेशन में, जिस भी वो व्यवसाय में या फिर जिस भी नौकरी में वो जाना चाह रहा है, तो उसमें उसको सेटल होने के लिए पेरेंट्स की मदद की आवश्यकता होगी बच्चे को, और साथ साथ में शादी के लिए भी जो है पेरेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है। तो दोनों के लिए ही यहाँ पर पेरेंट्स की हेल्प की जरूरत होती है बच्चे को, और पेरेंट्स को पूरी तरीके से बच्चे को समझना होता है, उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है, और उनकी मदद करनी होती है उनके कैरियर्स के क्षेत्र में, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है उसको लेकर के उनकी मदद करनी होती है, और साथ साथ में उनके मैरिज को लेकर भी उनकी हेल्प करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ह्यूमन कैपिटल होता है, यानी कि पेरेंट्स जो अपने बच्चे पर इन्वेस्ट कर रहा है वही उसका इन्वेस्टमेंट होता है, ओके। फिर जो अब आती है थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज हमने पढ़ी, उसके अंदर सब स्टेज पढ़ी तीन, अब यहाँ पर आती है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज, थर्ड स्टेज है। ये स्टेज भी तीन सब स्टेज में डिवाइड होती है।
एक होता है लॉन्चिंग पीरियड और ड्यूरिंग विच चिल्ड्रन लीव द होम, यानी कि लॉन्चिंग पीरियड वो है जब बच्चा अपना घर छोड़ देता है। क्योंकि अभी इसके पहले जो हमने जस्ट पढ़ा है तो उसमें क्या था, 12 से 18 साल था, लगभग लगभग 18 से 20 साल में बच्चे की एजुकेशन ये तो समाप्त हो जाती है और या फिर जो है वो समाप्त होने के कगार पर होती है। तब बच्चा क्या होगा कि जहां बच्चे की एजुकेशन खत्म हुई, बच्चे फिर जॉब करने लगते हैं, यानी कि उनका उन कहीं ना कहीं अपना प्रोफेशन वो चुन लेते हैं। ठीक है, और जब प्रोफेशन उन्होंने चुन लिया तो अब इसके बाद में आएगी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। इसमें सबसे पहला पीरियड होता है लॉन्चिंग पीरियड, यानी कि अब जो बच्चे होंगे प्रोफेशन अपना चुन चुन चुके हैं, अब वो अपना घर छोड़ देंगे, यानी कहीं बाहर जॉब करने जा रहे हैं तो अब वो अपना घर छोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरी आती है फाइनेंशियल रिकवरी पीरियड, यानी कि अब फाइनेंशियल रिकवरी का मतलब ये है कि अब चूंकि जो पेरेंट्स होंगे वो इस स्टेज में क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पीरियड ऑफ रिटायरमेंट भी आता है। तो जो पेरेंट्स होंगे, अगर मान लो वो जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आप क्या होंगे इस एज में आकर के वो वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, तो अब उनके वो रिटायर हो जाएंगे, दोनों ही, चाहे बिजनेस हो चाहे नौकरी हो, दोनों तरीके से वो रिटायर हो जाते हैं। और जो फैमिली की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो इनकम सोर्स होता है, वो यहाँ पर क्या होता है, जो पेरेंट्स कमा रहे थे अब वो इनकम सोर्स कम हो जाएगा, पेंशन के थ्रू मिलेगा लेकिन जितनी सैलरी मिल रही थी उसका आधा पेंशन मिलेगा। ठीक है, अगर मिल रहा है तो, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर तो पेंशन भी नहीं मिल रही है, तो इसको हम कह नहीं सकते हैं कि वृद्धावस्था में पेंशन के भरोसे पेरेंट्स रह सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनकम सोर्स है वो कम हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स की इनकम सोर्स तो कम हो रही है। ठीक है, लेकिन जो उनके बच्चे हैं अब वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, उनका करियर सेटल हो जाएगा, वो जॉब में आ जाएंगे, तो वो फिर जो है वो जो जॉब कर रहे हैं उससे जो इनकम हो रहा है उससे उसकी रिकवरी हो जाएगी। यानी कि जो पेरेंट्स का फाइनेंशियल रिसोर्स था वो तो खत्म हो गया या फिर कम हो गया, लेकिन अब जो बच्चे हैं वो कमाने लगेंगे तो फाइनेंशियल रिकवरी होने लगती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको फाइनेंशियल रिकवरी पीरियड करते हैं जो बच्चों के द्वारा की जाती है। और इसमें तीसरा पीरियड आता है पीरियड ऑफ रिटायरमेंट, जैसा हमने बताया कि अब इस स्टेज में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने नौकरी जॉब जिम्मेदारियों से रिटायर हो जाते हैं पूरी तरीके से और वो अपने घर में रहने लगते हैं। अच्छा, इस स्टेज में होता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज में अगर पेरेंट्स के साथ में बच्चे रह रहे हैं तब तो बच्चों को उतना अकेला, पेरेंट्स को अकेला फील नहीं होता है, लेकिन अब बच्चे मान लीजिए बाहर जॉब करने जा रहे हैं और वहीं बाहर उन्होंने अपनी फैमिली सेटल कर ली है, तो क्या होता है, जो जैसा हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि दो यंग पर्सन से स्टार्ट होती है फैमिली और दो ओल्डर पर्सन पर जाकर के खत्म हो जाती है, तो सिर्फ वही दो लोग जो शुरुआत में थे वही लास्ट में भी दो बचते हैं, लेकिन अभी क्या है, अब वो वृद्ध अवस्था में आ चुके हैं तो वो इनकम सोर्स भी कम हो गया है, चूंकि फाइनेंशियल रिकवरी हो रही है, कितनी हो रही है वो डिपेंड करता है बच्चों पर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद को अकेलापन फील करने लगते हैं, अकेला अकेला महसूस करते हैं। ठीक है, और उन्हें लगता है कि वो ये भी सोचने लगते हैं कि वो अपने बच्चों पर एक भार के जैसे हैं। ठीक है, उन पर एक बोझ है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं ठीक है वो खुद को एक भार के जैसे समझने लगते हैं और बहुत ही अकेला फील करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि उनकी जो मानसिक समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं इस स्टेज में। ओके, तो ये तीन स्टेज थे और उसके सब स्टेज। अब यहाँ पर है ओकेशनल एडजस्टमेंट। द लॉन्चिंग पीरियड इज, लॉन्चिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है, जब पहला बच्चा फर्स्ट चाइल्ड कंप्लीट इट एजुकेशन, यानी कि जो पहला बच्चा है जब अपना एजुकेशन खत्म करता है और कोई ना कोई जॉब करने लगता है, और जो लास्ट बच्चा है ठीक है वो जो है फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है, तो ये स्टार्ट होता है पहले बच्चे के एजुकेशन के कंप्लीट होने से, और जो अंतिम बच्चा होगा उसकी जो है फाइनेंशियली आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने पर ये खत्म हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो जो है मे बी नीड फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, हो सकता है बच्चा नया एम्प्लॉयमेंट, नई जो जॉब करने जा रहा है, नया बिजनेस अगर स्टार्ट करने जा रहा है तो उसे जो है आर्थिक सहायता की जरूरत हो, या फिर अपनी शादी के लिए, फैमिली सेटलमेंट के लिए पैसे की जरूरत हो। तो चूंकि इस पीरियड में क्या होता है, आर्थिक जो है संसाधन की, आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है। पेरेंट्स विल हैव द न्यू रोल एज ग्रैंड पेरेंट्स, और पेरेंट्स क्या है वो ग्रैंड पेरेंट का रोल अदा करने लगते हैं। और दूसरा जो फाइनेंशियल रिकवरी है, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जब बच्चे एक बार आत्मनिर्भर हो जाते हैं, सेल्फ सफिशियंट हो जाते हैं, तो वो फाइनेंशियल रिकवरी
पेरेंट्स की करने लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो रेगुलर का एक्सपेंडिचर था, खर्चा था, वो घट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी उनके कर्ज थे वो भी खत्म हो जाते हैं। इस स्टेज में पेरेंट्स विल हैव एनफ मनी, या अब उनके पास क्या होता है, पर्याप्त पैसा होता है, पर्याप्त समय होता है घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, और पर्याप्त समय होता है एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। तो जो फाइनेंशियल रिकवरी होती है, इसमें बच्चे फाइनेंशियल रिकवरी कर रहे होते हैं। ठीक है, और साथ साथ में जो पेरेंट्स हैं उनके पास पर्याप्त समय होता है एक दूसरे को के साथ समय बिताने के लिए, और जो है घूमने टहलने के लिए समय होता है उनके पास। दिस इज आल्सो कॉल्ड द सोशल एंड ओकेशनल एडजस्टमेंट एज अ प्री रिटायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं। फिर रिटायरमेंट स्टेज आ गई है, लास्ट स्टेज होती है। अब यहाँ पर क्या है, जो जैसा हमने बताया कि जब जो पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं वो रिटायर हो जाते हैं अपने ऑक्यूपेशन से और घर पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था वो कम हो गया, लाइफ स्टाइल थी वो भी चेंज हो गई, क्योंकि अब क्या होगा, वो ज्यादातर खाली समय बिताएंगे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है। और ये जो है एडजस्टमेंट का टाइम होता है किससे, जो फिजिकल फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और जो भी उनके मानव संबंध हैं वो जो बदल रहे हैं, ऑल्सो समटाइम चेंज इन हेल्थ स्टेट, और साथ साथ में उनके स्वास्थ्य में जो चेंज आ रहा है उसके साथ में एडजस्ट करना होता है। ठीक है, एक तो खुद के अंदर जो चेंज आ रहे हैं, फिजिकल चेंज आ रहे हैं, फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, शरीर रचना में जो अंतर आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस हो रहा है, और इन्वायरमेंटल जो कंडीशन चेंज हो रही है, और साथ साथ में संबंध की बात करें तो पहले क्या थे, हस्बैंड वाइफ थे, बच्चे थे सिर्फ उनके, अब बच्चों की शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, अब वो ग्रैंड पेरेंट्स का रोल अदा कर रहे हैं, दादा दादी बन जाते हैं। तो क्या होता है कि जो संबंध होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और साथ साथ में इसमें पीढ़ी का भी फर्क आता है कि अब जो उनकी सोच थी उनके बच्चों से की सोच से अलग होगी, और जो उनके ग्रैंड चाइल्ड होंगे उनकी सोच से तो बहुत ही डिफरेंट होगी। तो इस जो सोच है, रहन सहन है, ठीक है, और साथ साथ में उनका जो स्वास्थ्य है और उनकी जो शारीरिक स्थिति है, इन सब से उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, यहाँ पर मैनेजेरियल प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, समय है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इन सब से रिलेटेड समस्या हो सकती है। यहाँ पर जो सबसे अधिक खर्चा होता है वो मेडिकल और पर्सनल कॉस्ट, ये बढ़ जाता है क्योंकि अब वृद्धावस्थाएं पहुंच चुके हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, तो उसमें मेडिकल और जो पर्सनल कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। और साथ साथ में एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जो हम बता ही रहे हैं, एडल्ट चिल्ड्रन उनके साथ में आ जाती है, और दिस पीरियड इन एवाइटेबली एंड्स इन डेथ के साथ में खत्म होती है, एंड अरेंजमेंट फॉर द स्पाउस हैज टू बी थॉट ऑफ ड्यूरिंग दिस टाइम। यानी कि जो हस्बैंड है अगर वो जॉब में है, वाइफ अगर जॉब में नहीं है, तो फिर जो है वो अपने स्पाउस के लिए अरेंजमेंट करके जाता है। ओके, फिर है लाइफ साइकिल ऑफ फैमिली विदाउट चिल्ड्रन, जो अभी हमने पढ़ा वो विद चिल्ड्रन था, और ये लाइफ साइकिल फैमिली विदाउट चिल्ड्रन, द लाइफ साइकिल एंड लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ चाइल्डलेस फैमिली विल बी डिफरेंट फ्रॉम फैमिली विद चिल्ड्रन, इसके साथ डिफरेंट होगी ये जो लाइफ स्टाइल होगी, ठीक है, सॉरी लाइफ साइकिल जो होगी, इसको इन्होंने चार स्टेज में बांटा है। यानी कि बच्चों के बिना जो पारिवारिक जीवन चक्र है उसको चार स्टेज में बांटा है, फर्स्ट 5 ईयर ऑफ मैरिज, सेकंड 5 ईयर ऑफ मैरिज, और सेकंड डिकेड ऑफ मैरिज, और मैरिड फॉर मोर देन 20 ईयर्स। तो ये चार स्टेज में इन्होंने डिवाइड किया है, और फिर इन्होंने यहाँ पर कंपेयर किया है कि विथ चिल्ड्रन द चाइल्डलेस फैमिली यानी कि हैव मोर रिसोर्सेस, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे नहीं होंगे तो उनके पास संसाधन अधिक होंगे, बच्चे होते हैं तो संसाधनों का फिर खर्च भी अधिक होता है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि आर्थिक संसाधन और जो भी अदर संसाधन है वो सब जो है, जहां जिन पारिवारिक जीवन में बच्चे नहीं होंगे, जिन परिवार में बच्चे नहीं होंगे, तो वहां पर ये चीजें अधिक होंगी। ठीक है, हर स्टेज में रिटायरमेंट तक अधिक ही होंगी, दे मे टेंड टू परचेज एसेस लाइक हाउस, फर्नीचर, मेक लार्ज इन्वेस्टमेंट, तो ये सब कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, फर्नीचर ले सकते हैं, इन सब पर वो आसानी से उसको परचेज कर सकते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन अधिक होते हैं, आर्थिक संसाधन। स्पेशली कपल्स हैव टू फेस प्रॉब्लम्स, लेकिन समस्या क्या होती है, सोशल एंड साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट की समस्या आती है, क्योंकि बच्चे नहीं होते, दोनों अकेले रहते हैं, तो क्या होता है वो सामाजिक रूप से भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं और मानसिक रूप से भी बिल्कुल खुद को अलग महसूस करते हैं, तो ये समस्या आती है। दे मे ट्रैवल मोर कंपेयर टू द फैमिलीज विद चिल्ड्रन, तो ऑब्वियसली जब बच्चे नहीं होंगे तो वो ज्यादा घूम टहल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने फैमिली लाइफ साइकिल स्टेजेस
देख ली है, पारिवारिक जीवन चक्र की तीनों मुख्य अवस्थाओं को डिस्कस कर लिया है, उसके साथ साथ में उसकी जो उप अवस्थाएं हैं उनको भी डिस्कस कर लिया है। ओके, चलिए ये जो पूरा पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और डिटेल में आप आसानी से इसको खुद से भी पढ़ाई कर सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।